भाजपा की विधानसभा चुनावों को लेकर पहली सूची जारी हो गई है। 67 उम्मीदवारों की सूची में भाजपा ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक राजेश नागर, जो वर्तमान में भी विधायक हैं, उन पर विश्वास जताया है और अपना उम्मीदवार तिगांव विधानसभा क्षेत्र से चुना है। सर, भाजपा ने तीसरी बार विश्वास जताया है और तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का। मैं सबसे पहले अपने हाई कमान श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, श्री जेपी नड्डा जी का, विप्लव देव जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का, सुरेंद्र नागर जी का, अपने नायब सैनी जी का और मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझे तीसरी बार तिगांव विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। राजेश जी, 5 साल का सफलतापूर्वक कार्यकाल और अब दोबारा से भाजपा ने विश्वास जताया, इस बार भी आपको टिकट दी है, अब तीसरी बार का ये विजन क्या रहेगा? तिगांव की जनता को अगर जनता विश्वास जताती है तो कैसा नया तिगांव विधानसभा क्षेत्र नजर आएगा? देखो, 2019 के चुनाव में भी हमारी जनता ने, क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और 90 विधानसभा हरियाणा की जो आती है उसमें सबसे ज्यादा अगर मत प्राप्त हुए और अगर पहले नंबर पर कोई विधानसभा क्षेत्र आया, तिगांव विधानसभा क्षेत्र आया, उसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहा हूँ। और आगे भी 2024 में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी क्षेत्र की जनता 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा, जैसे 19 में मत लिए तो इसमें 24 में भी ज्यादा मत लेकर पहले नंबर पर पिछला अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। राजेश जी, टिकटों को लेकर, फेरबदल को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से बड़ी गंभीर स्थिति थी, रोज रात को टिकट बदल जाती थी, सुबह कोई और होती थी, लेकिन तिगांव विधानसभा से अगर बात करें तो भाजपा के लिए टिकट के दावेदार के तौर पर, मजबूत दावेदार के तौर पर केवल एक विकल्प और एक नाम लोगों की जुबान पर था, राजेश नागर। जनता के इस प्यार को और भाजपा के इस विश्वास को कैसे उस पर अपनी बात कहेंगे? देखो, जनता जनार्दन है, जनता ने मुझे अपना प्यार 19 में भी दिया और 5 साल जो हमने काम किए 2019 से 24 तक, क्षेत्र की जनता ने जो भी विकास कार्य उन्होंने बताए, अपने गाँव की बात करें, कॉलोनियों की बात करें, सेक्टर की बात करें, अपने स्लम की बात करें, चाहे सड़कों की बात हो, पावर हाउस स्टेशन की बात हो, स्टेडियम की बात हो, टाउन पार्क की बात हो, स्कूल की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार में काम किए हैं और हमारी सरकार जैसे केंद्र में तीसरी बार बनकर आई है, प्रदेश में भी तीसरी बार हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तिगांव से अभी कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित नहीं हुई है, कैसा मुकाबला देखते हैं सर, चाहे कोई भी सामने हो, क्या लगता है तिगांव की जनता इस बार किस तरह से अपना वोट देगी? 2019 में भी कोई मुकाबला नहीं था, एक तरफा चुनाव था, 2024 में भी एक तरफा चुनाव होगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने कमल के फूल में, जैसे लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से तिगांव विधानसभा क्षेत्र जीत के आए थे और हमारे विधानसभा चुनाव में भी हमारी क्षेत्र की जनता तिगांव विधानसभा को भारी बहुमत से जिताकर बैठी। राजेश जी, जैसी टिकट की घोषणा हुई, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया और जनता का आशीर्वाद और सहयोग लगातार मिल रहा है। एक अपील तिगांव क्षेत्रवासियों से, जो विश्वास जता रहे थे आप पर और जिसकी वजह से भाजपा ने आपको तीसरी बार विश्वास जताकर उम्मीदवार बनाया है। देखो, मैंने अपने क्षेत्र की सेवा एक नेता के रूप में नहीं की, मैंने अपने क्षेत्र की सेवा एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक साथी के रूप में की है और उसी विश्वास के साथ मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा प्यार और आशीर्वाद 2019 में मिला, उससे ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मुझे 2024 के चुनाव में मेरी क्षेत्र की जनता से मिलेगा। तो देखिए, ये तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राजेश नागर और समर्थकों का तांता लगा हुआ है और पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि इस बार भी तिगांव में एक तरफा जीत हासिल करेंगे और जिस तरह से लोगों का स्नेह, समर्थन और सहयोग लोगों से मिला है और इस बार भी जिस तरह से तो लोगों का तांता लगा हुआ है, देखिए जो समर्थक हैं, उत्साहित हैं, लड्डू, राजनीति और लड्डू का एक नाता रहा है और बिल्कुल भैया कितने उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा जी, लाखों में जीतेंगे जी, आपके रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तगड़ा 90 सीटों में फर्स्ट नंबर पे जाएंगे जी, ये पक्का दावा कर रहे हैं। खाने की थाली को छोड़ के आया, पहले मुबारकबाद दे के आनी है, भैया के पास जाएंगे जी, हाँ पक्का। अच्छा, इतनी देरी कर दी टिकट ने आते आते, क्या क्या लगता है, कितनी चिंताएं थी? बहुत ज्यादा, सबके दुख दुखे, हमारी टिकट होगी जी, अब 90 सीटों में नंबर वन पाएंगे जी। आज की नींद आराम से आएगी? बिल्कुल कतई, 9 रात की सौ में सोएंगे जी। बिल्कुल, देखिए जीत का दावा कर रहे हैं, बल्कि एक तरफा जीत का दावा राजेश नागर कर रहे हैं, उनके समर्थक उत्साहित हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जैसे पिछली बार
कमल खिलाता है। इस बार भी जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है, तिगांव विधानसभा के जो परिणाम है वो काफी रोचक होने वाले हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।